का दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डेरा सच्चा सौदा में आखिर क्या होता था जानते हैं। यहाँ पर जो महिलाएं जुड़ी हैं, यहाँ पर जो पुरुष जुड़े हैं उनसे। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है? अमनप्रीत। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? बी कॉम फाइनल ईयर। मैम, इतने एजुकेटेड मतलब आप हो, क्वालिफाइड हो, उसके बाद डेरा जैसी जगह पर आते हो, क्या कारण है? हमें जो यहाँ पर मिलता है ना, वो कहीं पर नहीं मिलता। इतना मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं हमारे साथ। मैं गुरु जी के यहाँ डेरे के अंदर जो माहौल है वो किस तरीके का है? फिर यहाँ का माहौल एज कम्पेयर टू अदर बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा नाइस है, बहुत सेफ्टी है यहाँ पे गर्ल्स के लिए, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं। हाँ जी बिल्कुल। मैम, मगर मीडिया चैनलों पर इतना गंदगी दिखाई गई थी, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? नहीं, वो बिल्कुल साफ गलत था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद यहाँ पे हॉस्टल में रह के पढ़ी हूँ, जो हॉस्टल के बारे में स्कूलों में रहे हो? हाँ जी, हॉस्टल में। तो मैम, वहाँ पर इतना गंदगी दिखाई गई थी आप लोगों के बारे में कि ये होता था इन लोगों लड़कियों के साथ, उसकी सच्चाई क्या है? ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, जो हम रहते हैं हमें खुद पता है कि वहाँ पे क्या है। रियलिटी को रहने वालों को पता है, बाहर वालों को कुछ नहीं पता होता। गुरु जी आते थे कभी आपके पास, आप लोगों के पास? हाँ जी, फंक्शन वगैरह होते थे और हमें जैसे गेम्स वगैरह में कोचिंग देने के लिए भी आते थे। तो मैम, कैसा व्यवहार रहता था उनका आप लोगों के प्रति? एज अ टीचर हमें गाइड करते थे, एज अ पेरेंट्स। गुरु जी पे जो आरोप लगाए गए उसके बारे में क्या कहोगे? जो सारे आरोप है सारे गलत हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। समाज में आज गुरुजी नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं गुरुजी के ना होने का? पिताजी के ना होने का यहाँ पे बिल्कुल बीमारियाँ फैल गई हैं। कोई बिल्कुल भी से हेल्थ के अकॉर्डिंग लगा लो या फिर सेफ्टी के अकॉर्डिंग कहीं कुछ है, मतलब लड़कियाँ पहले से कम सेफ हैं। हाँ जी मैम, वेश्यावृत्ति देश में बढ़ती जा रही है। आप एक महिला हैं, आपको पता है कि मतलब वो जो दर्द होता है वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेले जाने का, वो क्या होता है? तो गुरुजी ने कुछ इसके लिए किया है वेश्यावृत्ति में जो लिप्त लड़कियां हैं? हाँ जी, उनसे उनको वहाँ से गंदगी से निकाल के उनकी शादियाँ की है, उनको अपनी बेटी की तरह उनको पाला है, उनको हर चीज़ की उनको फैसिलिटी दी है, सुरक्षित रखा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे पलकों पे पाला है उनको। मैम, समाज भलाई के लिए कुछ योगदान दिए गुरुजी? हाँ जी, बहुत सारे सफाई अभियान किया और समाज भलाई के लिए बहुत काम किया है। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि डेरा के जो अगेंस्ट जो ये केसेस वगैरह हैं उनको सोल्यूशन निकाल लें और इसका कोई वो नहीं है। समाज को जरूरत है लगता है आज आपको गुरुजी की? हाँ जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेरा में जो पढ़ी एक छात्रा है उनका ये कहना है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम नेम सिंह जी, इंसा का जो चरित्र था वो बिल्कुल एज अ फादर था। वो जब भी आते थे एक पिता के समान, हमें जो व्यवहार था उनका प्रति, हमारे प्रति व्यवहार था एक पिता के समान था, एक टीचर के समान था। फिर ये मीडिया चैनलों पर आखिर इन लड़कियों की इज्जत को तार तार क्यों किया गया, पूछती है हमारी संस्कृति। सवाल है ये हमारे देशवासियों का और इन लड़कियों का। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।